हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स में। फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो राइट्स की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसमें आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। सो ये फ्रेशर्स इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, कोई भी एप्लीकेशन नहीं रखा गया है, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि राइट्स की तरफ से आया है, जो एक PSU है। अप्रेंटिसशिप देखने के बाद वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि यहीं पर आप लोग को बहुत ही अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और इसमें अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट रखा गया है 31 जुलाई 2022। इसमें ग्रेजुएट टेक्नीशियन और ट्रेड अप्रेंटाइज के लिए वैकेंसी निकल के आया गया है, जिसमें ग्रेजुएट वालों के लिए आप लोगों को स्टाइपेंड 14,000 पर मंथ मिल जाएगी, जिसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 57 है और नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 15 है। डिप्लोमा वालों के लिए स्टाइपेंड 12,000 पर मंथ मिल जाएगी, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है। और आईटीआई वालों के लिए स्टाइपेंड 10,000 पर मंथ मिल जाएगी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 9 है। टोटल कुल मिला के 91 नंबर ऑफ वैकेंसीज निकल के आया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे ग्रेजुएट अप्रेंटाइज वालों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से 4 साल का BBTech की हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा अप्रेंटाइज वालों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ट्रेड अप्रेंटाइज वालों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे अगर आप लोग मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, फिटर, टर्नर, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में से ITI किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटाइज के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे अगर आप लोग BCOM, BBA और BA करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग जनरल और EWS कैंडिडेट्स हो तो उस केस में आपके डिप्लोमा, BBTech और ITI पे मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप लोग SC ST OBC और PWD कैंडिडेट्स हो तो उस केस में आपके डिप्लोमा, BBTech और ITI पे मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग आपके डिप्लोमा और BBTech 2020 या तो 2020 के बाद पास आउट किए हो तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो लोग 2020 से पहले पास आउट किया है वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। बट ITI वालों के लिए अगर आप लोग किसी भी ईयर में से ITI पास आउट किए हो तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई भी ईयर का लिमिटेशन नहीं रखा गया है। उसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इसके पहले कोई भी अप्रेंटिसशिप वगैरह करके रखे हो तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। उसके साथ अगर आप लोग के पास 1 साल का एक्सपीरियंस है या तो 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग डिप्लोमा, BBTech और ITI पे फाइनल ईयर पे हो तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। एप्लीकेशन प्रोसीड्योर की बात करें तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन प्रोसीड्योर यहीं पे ऑनलाइन रखा गया है। अगर आप लोग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटाइज और टेक्नीशियन अप्रेंटाइज के लिए अप्लाई करते हो तो उस केस में फर्स्ट आप लोग को MHRD नेटस्पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। और अगर आप लोग नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटाइज और ट्रेड अप्रेंटाइज के लिए अप्लाई करते हो तो उस केस में आप लोग को apprenticeshipindia.gov.in पोर्टल पे जाके फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करना होगा। apprenticeshipindia.gov.in पोर्टल पे कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का जो वीडियो है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग उसमें अप्लाई करने से पहले उस वीडियो को एक बार जरूर चेक कर लेना, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग को उसी पोर्टल में से अप्लाई करना होगा। नेट्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप लोग उसमें लॉगिन करोगे तो उसके बाद आप लोग के सामने एस्टैब्लिशमेंट रिक्वेस्ट मेन्यू ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग को क्लिक करके फाइंड एस्टैब्लिशमेंट ऑप्शन को चूज करना होगा। और उसके बाद आप लोग के सामने 2 तरीके का ऑप्शन ओपन हो जाएगी, जिनमें से आपको सर्च बाय एस्टैब्लिशमेंट नेम ऑप्शन को चूज करना है।
और उसमें आप लोगों को टाइप करना होगा राइट्स लिमिटेड। ये टाइप करने के बाद सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने पोस्ट का डिटेल्स ओपन हो जाएगी और आप लोग वहां से अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसीड्योर में आपके डिप्लोमा, बीबीटेक और आईटीआई में जितना भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है उसके बेसिस पे आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के साथ साथ आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अगर आप लोग इस दोनों स्टेज में क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो फ्रेंड्स यहीं पे जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए आप लोग को मिनिमम 60% मार्क्स रहना होगा इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के लिए, और एससी एसटी ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए आप लोगों को मिनिमम 50% मार्क्स रहना होगा इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के लिए। और अगर आप लोग इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो तो उस केस में आप लोग को ईमेल के थ्रू पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसमें आप लोग का अप्रेंटिसशिप का ड्यूरेशन 1 ईयर तक रहेगी। उसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप लोग का कोई भी डाउट्स या तो क्वेश्चंस है तो आप लोग इसी ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट करके आप लोग का डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। जब आप लोग इसमें इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो उस टाइम आप लोग को इसका एक ऑफिशियल ऑफलाइन फॉर्म है जिसको अच्छे से फिल करना है, और फिल करने के बाद उसके साथ आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स है उसका ओरिजिनल और 1 शीट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, उसके साथ अगर आप लोग एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का ओरिजिनल और 1 शीट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए इनकम सर्टिफिकेट का ओरिजिनल और 1 शीट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल और 1 शीट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, उसके साथ कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ का ओरिजिनल और 1 शीट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, ये सब डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल और 1 शीट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आप लोग को इंटरव्यू देने के टाइम लेके जाना है। तो फ्रेंड्स ये है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन। नेक्स्ट में आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म दिखाया। तो फ्रेंड्स ये है इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोग देख पा रहे हो, जिसमें फर्स्ट आप लोग को एक सेल्फ अटेस्टेड डिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटैच करना है। उसके बाद आपको आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहीं पे फिल करना होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स उसके बाद आप लोगों का नेट स्कूल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप लोगों को यहीं पे फिल करना होगा। उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का डिटेल्स यहीं पे फिल करना है, और फिल करने के बाद उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ उस डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल और 1 शीट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आप लोग को साथ में लेके इंटरव्यू देने के लिए जाना होगा। तो फ्रेंड्स ये है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप का डिटेल्स। आई होप आप लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ अपना टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपका डिग्री एंड डिसिप्लिन कमेंट में जरूर मेंशन करना ताकि आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जॉब अपडेट्स लेके आ सकूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आप लोग को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें ही मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे मोटिवेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।